स्टार्टअप हैं जो कि कमाल कर रहे हैं, न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि झारखंड के अन्य जिलों में भी अब ऐसे ऐसे स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं जो कि अब झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये है कैक्सी कैब सर्विस। ये बोकारो से शुरू हुई थी आज से 1-1.5 साल पहले, लेकिन अब ये बोकारो से अब झारखंड के अन्य जिलों, रांची और कहें तो पूरे झारखंड में अब इसका जो डेवलपमेंट दिख रहा है, कहीं ना कहीं विकास दिख रहा है। आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि कैक्सी कैब सर्विस का आज बोकारो में एक नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। बात करने के लिए कैक्सी कैब सर्विस के दुर्गा जी हमारे साथ हैं। दुर्गा जी, सबसे पहले तो झारखंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। बहुत ही छोटे से सफ़र से शुरुआत किए और आज ऑफिस तक आ गया, क्या जी? बिल्कुल, आज से 1.5 साल पहले हमने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो हमें भी नहीं पता था कि हम इतनी जल्दी इतना ग्रो कर जाएंगे। हमारा मोटिव स्टार्टिंग से था कि चूँकि हम बोकारो के हैं तो बोकारो वासियों के लिए एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें, कम अफोर्डेबल रेट्स में अच्छी सुविधा हो, जो उनको परेशानी ना हो कहीं जाने आने में। जैसे कि हम देखते हैं कि रांची वाची हमारे लोग अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन बस से, ट्रेन से जो प्रॉपर सुविधा नहीं होती है, मतलब यहाँ से नया मोड़ जाना, बस पकड़ना, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना, काफ़ी दिक्कत मशक्कत वाली काम थी। तो हमने इस फील्ड में अपना योगदान किया, हमने कैब सर्विस शुरू की। अभी हमारा, जैसा आप जानते ही हैं, हम शेयर कैब और फुल कैब दोनों सर्विस हम देते हैं। तो शेयर कैब की काफ़ी अच्छी हमारे पास रिस्पॉन्स है और लोग इसको यूज़ करते हैं। हम उनके घर से पिक करके उनको एयरपोर्ट, स्टेशन या रांची में जहाँ भी जाना है ड्रॉप करते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल 400-450 रुपये में कर देते हैं। ये कारण है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कोई भी स्टार्टअप होता है, अगर कोई यूनिक फंडा लेकर आता है तो ग्रो होता है आज के डेट में, और हमें लगता है आपका यूनिक फंडा वही शेयर कैब। बिल्कुल सर, अगर आप देखेंगे तो शेयर कैब हमारे मतलब झारखंड में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। बोकारो के लिए तो बिल्कुल ही नई चीज़ थी ये, बोकारो के लोग पहले कभी ऐसा कुछ यूज़ नहीं किए थे। और चूंकि हमने बहुत ही एक मुनासिब रेट रखा है, जो कि आप देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बस से ट्रैवल करने से भी सस्ता, कम कीमत पर आप एसी गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, तो इस वजह से लोग ने पहल किया। शेयर कैब अगर दर्शकों को विस्तार समझा पाएँ तो क्या होता है शेयर कैब? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जैसे कि आप बस में अपना एक सीट बुक करते हैं और आप सिर्फ उस सीट के लिए पैसे देते हैं, ना कि आप पूरे बस के लिए। सिमिलरली हमारे भी, जैसे हमारी गाड़ी अर्टिगा है, इसमें 6 सीट है, तो हर कोई पैसेंजर अपने सिर्फ एक सीट को बुक करेंगे और सिर्फ उस सीट के लिए पैसे देंगे, और इसके में हम उन्हें उनके घर से पिक करके और उनके डेस्टिनेशन तक ड्रॉप करेंगे, कोई उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। यही शेयर कैब का फंडा है। किस किस शहर में अवेलेबल हैं झारखंड? जी ऐसे तो हमारी रीच तो मैक्सिमम झारखंड के सारे शहरों में है, बट शेयर कैब सर्विस जो है फिलहाल हमारा बोकारो से रांची और रांची से बोकारो और बोकारो से धनबाद और धनबाद से बोकारो चालू है। बहुत ही कम समय में हम लोग जमशेदपुर में स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रांची जमशेदपुर और बोकारो जमशेदपुर रूट को हम लोग कवर करने वाले हैं जल्दी ही। एक चीज़ बताइए, जो शेयर कैब से आप लोग ये सुविधा दे रहे हैं, तो मतलब सिर्फ पैसेंजर को सीट ही उपलब्ध कराएं या उसके बाद भी और भी कुछ फैसिलिटीज दी? जी नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा आपको कि ना सिर्फ सीट है, उसके अलावा हमारा जो शेयर कैब होता है बहुत सारी एनिमिटीज़ हम देते हैं कस्टमर को। जैसे कि सबसे ज़रूरी होती है सिक्योरिटी। आज कोई कस्टमर अगर ट्रैवल करता है तो उसको लगता है कि भाई मैं गाड़ी में सेफ हूँ या नहीं हूँ, तो इसके लिए हमारे गाड़ी में लोकेशन ट्रैकर लगा होता है, हमारी गाड़ी में कैमरा लगा होता है, जो कि एक सिक्योरिटी है। उसके एडिशनली हमारे जो ड्राइवर हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गाड़ी के साथ आपको रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, पानी, नाश्ता, जो भी हमसे बन पाता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर को सर्विस में कमी ना करें। ये सब हमारी एडिशनल सुविधाएं जो प्रोवाइड करते हैं। 1 साल पहले जब आपने इसकी शुरुआत की थी, 1-2 गाड़ी से शुरुआत किए थे, अब कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन सी गाड़ी? जी गाड़ियाँ का तो मैं क्या ही कहूँ, हमारे पास सारी रेंज में गाड़ियाँ हैं। छोटी गाड़ियों मतलब जैसे वैगनार हो गया, डिज़ायर हो गया, ये बड़ी रेंज में स्कॉर्पियो हो गया, इनोवा हो गया, आप सियाज है, वरना है, होंडा सिटी है, सारे लगभग सारी गाड़ियाँ हमारे फ्लीट में आप देख सकते हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ बाहर भी अभी हैं। तो गाड़ियाँ मतलब लगभग जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि सारी गाड़ियाँ उनको फुलफिल कर सकें। कैसे, मतलब अगर किसी को कैक्सी से अपना कैब बुक करना हो, कहीं जाना हो, कैसे बुक करें?
जी बहुत आसान सुविधा हमने रखा है, हमारे पास वेबसाइट है अपनी कैक्सी की, आप www.caxi.co.in पे जाके आप शेयर्ड कैब बुक कर सकते हैं। फुल कैब की भी सुविधा उसमें हम जल्दी देने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है कमिंग 10-15 दिन में, उसमें फुल कैब की भी आप बुक मतलब वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको फुल कैब बुक करना हो तो आप हमारा जो नंबर है जो आपने नीचे दिया हुआ है इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप बुक करा सकते हैं। कैब सर्विस उपलब्ध करा रही कैक्सी या और भी कुछ है? नहीं फिलहाल तो अभी हम सिर्फ कैब सर्विस में ही है, फुल कैब और शेयर कैब में। फुल कैब में मतलब इंटरसिटी जैसे हो गया, या आपका अगर वेडिंग के लिए चाहिए, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए चाहिए, या कुछ कंपनियां अभी हमारे साथ टाई अप में है जैसे कॉर्पोरेट सर्विस अगर आपको चाहिए होता है, गेस्ट अगर आ रहे हैं या आपको खुद के लिए चाहिए होता है तो उसे भी हम प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की बात की तो बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग गाड़ी खरीद के गाड़ी लगाते हैं, आपके यहाँ भी फैसिलिटी उपलब्ध है क्या कि अगर किसी के पास फोर व्हीलर गाड़ी है तो टैक्सी को दे सकते हैं और कमा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बट उसके लिए हमने कुछ बेंचमार्क रखा है जो फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि हम सिर्फ कमर्शियल नंबर ही गाड़ी हम लोग लेते हैं, आप देखेंगे कि बुकार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि मतलब बिना कुछ नंबर प्लेट या कुछ किए हुए गाड़ी चला रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हमारा ऐसा नहीं, हमारे सारे जो भी गाड़ियाँ होती है सारे का पेपर वर्क सारा कंप्लीट होता है, प्रोफेशनल होता है, येलो नंबर प्लेट होती है, परमिट होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा कुछ हम लोग करके ही हम लोग गाड़ी ऑनबोर्ड कराते हैं। जी काफ़ी खुशी है, जिस कंपनी को मैंने कवर किया था आज से लगभग 6-7 महीने पहले, आज इतनी बड़ी हो गई और वो स्टार्टअप कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन कर रहा है। बोकारो वालों को तो अपने सौगात दे दिया, कैब सर्विस में अमूमन देखा जाता है कि ऑफिस नहीं होता है, कस्टमर को जो भी कुछ करना है ऑनलाइन करना है, बोकारो में ऑफिस दे दिए, रांची वालों को कब खुशखबरी दे रहे हैं? बिल्कुल सर, हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी तो चूंकि हमने बोकारो से स्टार्ट किया था तो हमारा ही होम टाउन है, तो हम चाहते थे कि सबसे पहले कि हाँ ऑफिस हो। और देखिए जैसा आपको पता है ऑफिस बहुत ज़रूरी है, मतलब लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी कैब सर्विसेज हैं बट वो सारा फ़ोन पे है, अब अगर कोई कस्टमर कुछ प्रॉब्लम हो या किसी को सामान छूट गया वो किसके पास जाएगा, तो उनके पास एटलीस्ट हमारे पास एक ऑफिस है जो कस्टमर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने एरिया में है, ट्रेट कर रहे हैं उससे, लोग यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ से बुकिंग ले रहे हैं। जल्दी हम लोग रांची में भी एक ऑफिस खोलने के इसमें है, प्रस्ताव में है, और जल्दी ही आपको देखेंगे कि कुछ दिन में रांची में भी ऑफिस खुलेगा हमारा। इसके साथ हमारा ऐप पे भी काम चल रहा है, 1-2 महीने में हमारा ऐप भी लॉन्च हो जाएगा जो कि आप डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड और iOS से आप उसका बुकिंग कर सकते हैं ऐप पे भी। ये थे कैक्सी के दुर्गा जी, बता रहे थे किस तरह से बोकारो ऐसे शहर से इन्होंने कैब सर्विस शुरू की और ये स्टार्टअप आज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पूरे झारखंड में काम कर रहा है। और जो भी दर्शक हैं अगर ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कैब सर्विस शेयरिंग कैब चाहिए तो निश्चित ही कैक्सी उनके लिए बहुत ही बड़ा एक साधन बन सकता है, आप कैक्सी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। taxi.in पे जाकर आप कैक्सी की तमाम सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।